दोस्तों आइए जानते हैं कि अभी तक की वोटिंग ट्रेंड के अनुसार कौन है नंबर वन पर और कौन है सबसे बॉटम पे, किसके ऊपर लटक रही है इविक्शन की ये डबल तलवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें इविक्शन की, तो चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं घर से बेघर होने के लिए, रूबीना, साथ ही साथ निशान सिंह मलखानी, जैस्मिन और कविता कौशिक। ऐसे में इविक्शन की ये जो तलवार है ना, दो कंटेस्टेंट्स को इस बार ले डूबेगी, यानी कि इस हफ्ते होने वाला है घर के अंदर डबल इविक्शन। वेल, वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो कल 10 बजे रात को 10 बजे वोटिंग ट्रेंड जो है, यानी कि वोटिंग लिस्ट जो है सामने आ गई है। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक कंटेस्टेंट जो है वोटिंग ट्रेंड के अनुसार घर से बेघर होगा तो, और दूसरे जो है दूसरा ऑप्शन जो है घर के अन्य सदस्य सिलेक्ट करेंगे। दो कंटेस्टेंट जो है इस हफ्ते इविक्ट होने वाले हैं, घर से बेघर होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम वोटिंग ट्रेंड की माने तो रूबीना को जो है सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 38% वोट। तो वहीं पे जैस्मिन भसीन है नंबर टू पे, जैस्मिन को मिले हैं ओवरऑल 31% वोट। तो वहीं पे नंबर तीन पर हैं निशान सिंह मलखानी, अभी तक नंबर तीन पे कविता कौशिक थी, लेकिन कविता को पीछे छोड़कर निशान सिंह मलखानी 19% वोट से नंबर तीन पर हैं। तो वहीं पे नंबर चार की अगर हम बात करें तो नंबर चार पर है कविता कौशिक 12% वोटों के साथ। तो दोस्तों ये रही ओवरऑल वोटिंग की रेटिंग, यानी कि कंटेस्टेंट्स की रेटिंग। और अगर हम बात करें इविक्शन की, तो वोटिंग लिस्ट के अनुसार कविता कौशिक घर से बेघर होनी चाहिए। तो वहीं पे अन्य कंटेस्टेंट्स की माने तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 14 से नॉमिनेट होता है या फिर इविक्ट होता है। जहां तक मुझे लग रहा है निशांत जाएंगी, ये श्योर शॉट है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन हो सकता है घर से बेघर। जैसे मुझे लगता है निशांत और कविता होंगे, आपको क्या लगता है कौन होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।